पश्चिम बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कांग्रेस ने ममता बनर्जी को घेरा, अधीर रंजन ने क्या क्या लगाए आरोप। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दत्तापुकुर की है। यहाँ की एक पटाखा फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका हिल गया, जिसके बाद वहाँ के हालात बदतर नजर आ रहे हैं। इस घटना में तकरीबन 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं आसपास के इमारतों के ढह जाने की भी सूचना है। ढह चुके इमारतों के मलबे में से अब लोगों के शवों को बाहर निकालने का काम जारी है। इन्हीं सब के बीच राजनीतिक गलियारों से भी शब्दों के धमाके की गूंज सुनाई देने लगी है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को घेरा है और उन पर जमकर निशाना भी साधा है। विस्फोटक जिस तादाद में हमें देखने को मिलते हैं, इसमें यह स्पष्ट होते हैं कि बंगाल की सरकार ने सारे विस्फोटक पदार्थों को जहां तहां इस्तेमाल करने की इजाजत दे दिए हैं। सारे विस्फोटक व्यापारियों को अपना कारोबार करने के लिए खुली छूट दे चुके हैं और इसके चलते ये विस्फोटक और इसके साथ साथ आम लोगों की मौत की कतार रुकने का थामने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सरासर बंगाल की सरकार की नाकामियां दर्शाते हैं। पता नहीं कब तक ये सिलसिला जारी रहेंगे, लेकिन यहां जब किसी को मौत होते हैं तब हमें पता चलता कि विस्फोटों की चलते मौत हुई है, बाकी 2-4 दिनों के अंतर सारे चुपचाप हो जाते हैं और इसके साथ साथ कारोबारियों को ये नजायज कारोबार चलते रहते हैं, कारोबारियों को कराभान चलते रहते हैं, क्योंकि सरकार चुप्पी साधी बैठना पसंद करते हैं। सरकार चुप्पी साधी रहना पसंद करते हैं और इसके चलते आम लोगों को भुगतना पड़ते हैं। वहीं इस घटना के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है और घटना के वजहों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां के हालात सामान्य होने में फिलहाल कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फेंके गए गर्म बयानों के तीर का ममता बनर्जी कैसे पलटवार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।